हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है स्प्लिटिंग द मिड टर्म। इसमें हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड है। तो आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस 18। तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू अलॉट करनी थी इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर के आगे 1 लिख लिया। अगर कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 9 और सी की वैल्यू आ गई 18, इसको कंपेयर करके। अब हमें सबसे पहला दो स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले क्या याद करना है, दो स्टेप करने हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आपको ए और सी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट और कांस्टेंट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल ए यहाँ पे 1 है और सी यहाँ पे 18 है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई आया है उसके सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 18 के हमने फैक्टर निकाले तो ये सबको आता होगा, 2 9 ज़ 18 एंड 3 3 ज़ 9, 3 1 ज़ 3। अब ये फैक्टर निकलने के बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये कि अब इन फैक्टर्स को हमें दो पार्ट में तोड़ना है, स्प्लिट करना है। वो कुछ इस तरीके से करना है कि प्लस करने पे तो हमारा 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा यही फैक्टर आ जाए, यही प्रोडक्ट आ जाए जो हम लेके चले थे। तो क्या समझे, दोबारा से सुनिए कि हम इसमें क्या करेंगे कि जो फैक्टर्स आए हैं उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट कुछ ऐसे करना है कि प्लस करने पे 9x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, वही नंबर आ जाए जिसका ए सी आ जाए, ए सी का जो प्रोडक्ट लेकर चले थे वही आ जाए। तो बिल्कुल अब हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना था इसके फैक्टर को, तो हम देख लेते हैं। अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 6 और ये 3। तो अभी मेरी दो कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो अगर 6 और 3 को मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, 9। तो बिल्कुल मुझे यही चाहिए था और ऐड करके ही चाहिए था। इस साइन को देख के हम डिसाइड करेंगे कि प्लस करके करना है कि माइनस करके करना है। तो इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया तो देखा कि 9 आ गया। अब ज़रा प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, तो 6 × 3 जब हम कर रहे हैं तो 18 आ गया बिल्कुल। तो प्रोडक्ट करने पे वही आ जाए जो हम लेके चले थे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि बिल्कुल हमारा दोनों कंडीशन वैलिड है, तो हम अब इसमें रख देंगे। तो हम 9x को कुछ ऐसे लिखेंगे, तो 1x स्क्वायर तो एज इट इज़, 9x को कैसे लिखेंगे, वही स्प्लिटिंग फॉर्म में, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है इसलिए हम मिड टर्म को ही स्प्लिट किया है अपन ने। तो 9 को कैसे लिखा, 6 + 3 लिख लिया और x को हमने बाहर लिखे रहने दिया, प्लस 18 एज इट इज़। अब क्या किया, 1x स्क्वायर एज इट इज़, फिर x का, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो हम x को दोनों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मल्टीप्लाई के थ्रू। तो ये 6 का x में हो जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, और 3 का x में होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 18। अब ये वाला स्टेप में हम पहले का मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पॉलिनोमियल में स्टार्टिंग में ही सीखा था, फैक्टराइज़ करना। फैक्टराइज़ में हमने एक स्टेप मेथड पहला जो सीखा था वो ये था कि हम कॉमन फैक्टर्स को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इन दोनों में 1x स्क्वायर और 6x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x मैंने क्या कर लिया, बाहर ले लिया। तो अगर एक्स स्क्वायर में से x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1x, और यहाँ क्या बचेगा, 6। अब फिर से बाद के दो टर्म में देख लेते हैं क्या कॉमन है, 3x और 18 में क्या कॉमन है, 3। तो अंदर क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बचा, 6। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे ये हमने जो लिया है वो सही है, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो ये हम क्रॉस चेक कर लेंगे, 3 6 18। अगर इसे मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला टर्म आ रहा है, दैट मीन्स हमने जितना किया है वो सही किया है। और मेजॉरिटी चांसेस में अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिटिंग सही की है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 100% क्या होता है, सेम होता है। तो आपको अगर आप सही कर रहे हो तो ये दोनों टर्म मैक्सिमम केसेस में सेम ही आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6।
तो x प्लस सिक्स इसमें से बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, और इस वाले पोर्शन में से x प्लस सिक्स ले लिया तो क्या बचा 3। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया।